पहले का काम जो है 98% जो है टैक्स उसी का है, कैश का है। यहाँ कोई भी मतलब इस तरीके का चेक का या क्रेडिट का काम नहीं चलता है, सबको कैश चाहिए। बिजनेस काफ़ी हद तक बिल्कुल बंद हो चुका है, असर बहुत पड़ा है इससे। थोड़े से पैसे से काम करते हैं हम लोग, समझे, वही बैंकों में चला गया है, काम बंद हो चुके हैं। यहाँ आसपास सिर्फ एक ही बैंक है, उसमें जिसमें हमारा अकाउंट है उसमें पैसा ही नहीं है। लगभग 10 लाख की आबादी है शहर की और उसमें सिर्फ एक एटीएम है जो प्रॉपर काम कर रहा है। रॉ मटेरियल भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उन लोगों के जो काम बंद है रॉ मटेरियल वालों के, तो मुझे मजबूर होकर कारखाना बंद करना पड़ा। कारोबार बंद पड़े हैं, जो कुछ थोड़ा बहुत लोगों को मिल जाता है 2-4 हज़ार, वो पहले अपने घर का सामान के लिए देखता है, पेट के लिए देखता है। अब ऐसे में क्या ताला खरीदेगा, क्या कपड़े खरीदेगा। कितने लोगों की, कहीं अलीगढ़ में ही कई लोगों की मौत हो गई। 3,000 रुपये के लिए उनने इतने चक्कर लगाए बैंकों के कि वो खुदकुशी पे आमादा हो गई और खुदकुशी उनने आग लगा ली और उनने बेचारी के परसों दम तोड़ दिया। तो उसमें जो है आज ये पोजीशन आ रही है कि आने वाले वक्त में उम्मीद नहीं है कि ये कारखाने जो है चल पाएगी। मोस्टली काम जो है ताले का वो लेबर से डिपेंड रहता है। हमसे ज़्यादा लेबर परेशान है क्योंकि लेबर का तो वीकली चाहिए उन्हें, जब उन्हें नहीं मिल पा रहा, पुराना नोट उनका नहीं वो हो पा रही, तो कहाँ जाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी लेबर जो काम सीख चुकी है उसको दूसरा काम कैसे सूटेबल कर, नहीं होता है, बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर जो भी लोग कारोबार करते हैं वो एक कारखाने का दूसरे कारखाने से माल उठाकर कोई पॉलिश करता है, कोई रिताई करता है, मतलब जो भी है वो हैंड टू माउथ है, मतलब दिन में करते हैं, शाम को जाकर पेमेंट ले आते हैं और अपना रोजी रोटी का वो सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो भी दुकानों से माल लेके वो डालता हूँ रक्षे से। इस नोटबंदी से इतना बेहद नुकसान हुआ है बेइंतहा। हम तो बहुत परेशान हैं, काम धंधा बंद है हमारा, क्या खिलाएं बच्चों को, बीमार हो रहे हैं, कहाँ से दवा लेकर आएं। मोदी जी ने जो भी कुछ किया है वो तो सब पैसे वालों के लिए फैसिलिटी की है, अगर गरीब आदमी ने कुछ किया होती तो बताते कि आज करा है, ऐसा कुछ करा गरीब के आदमी। हमारी पान की दुकान है और जब से नोटबंदी चला है तब सर दुकानदारी में बहुत लॉस है। जो यहाँ की लेबर होती है कारखानों में काम करने वाली, उनसे ही दुकानदारी होती है हमारी। आज ज़्यादातर कारखाने बंद हैं सब, कम से कम 75% लॉस है हमें। दुकानों में किसानों से जुड़े हुए हैं, हमारे छोटे छोटे ग्राहक आते हैं, मजदूर आते हैं, तो वो कैसे हमें पेमेंट देंगे। मटेरियल बहुत महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, सब चीज़ महंगी है, सब चीज़ महंगा हो गया, काम कुछ नहीं है। तेल देखो कहाँ जा रहा है, परेशान तो हम है, गरीब आदमी परेशान है, काला धन कुछ ना है। छः किलोमीटर या 7 किलोमीटर में अलीगढ़ ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद में तो गांव देहात के लोग हैं वो कहाँ आएंगे। इसमें डिजिटल और ये स्वाइप मशीन और पेटीएम से कोई नहीं कर सकता, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। हमसे मोबाइल तो चलाना आना, कार्ड कैसे चला लेंगे। इतनी निकम्मी सरकार शायद ही अपनी ज़िंदगी में तो हमने देखी नहीं है। बस ये है कि यहाँ तक ये सोचना पड़ेगा कि जब मोदी जी ये कह रहे थे कि अच्छा आएगा, अच्छा तो आना रहा, बुरा और आ रहा है। रोटी तक ना खा पा रहे और इससे अच्छे दिन के आएंगे।